ओडिया हेल्थ टिप्स रे आपणंकु स्वागत। आज मु आपणंकु बतेबी गर्भ अवस्था रे गर्भ रे थिबा शिशु सुस्थ अछि कि नाही किपरि जानिबे। गर्भ अवस्था रे गर्भवती महिलांकु निज स्वास्थ्य उपरे विशेष ध्यान देबा जरूरी होइथाय। एहा सहित गर्भ रे थिबा भ्रूण उपरे मध्य विशेष ध्यान देबा उचित, कारण गर्भवती महिलांका स्वास्थ्य रा सीधा संबंध गर्भस्थ शिशु रा स्वास्थ्य सहित होइथाय। आपण जेते अधिक सुस्थ रहिबे गर्भस्थ शिशु मध्य सेतिकी सुस्थ रहिब। प्रेग्नेंसी समय रे मां माने गर्भरे थिबा शिशु रो स्वास्थ्य कु नै बहुत चिंतित थांती। आज मु आपणकु एमिति सातटी संकेत विषय रे कहिबी जहा द्वारा आपण जानि पारिबे जे आपणक गर्भरे थिबा शिशु सुस्थ नाही, अर्थात शिशु किछि असुविधा रे अछि। प्रथमटी हेला शिशुर मुभमेंट। प्रेग्नेंसी समय रे गर्भरे थिबा शिशुर मुभमेंट रु आपण अनुमान लगाई पारिबे जे गर्भरे थिबा शिशु हेल्दी अछि ना अनहेल्दी अछि। जदि आपणक प्रेग्नेंसी रा 20 सप्ताह होई सारिछि किंबा 21 सप्ताह होई सारिछि एवं ए जाय आपण निज शिशुर मुभमेंट को अनुभव करि नाहंती, एहा संकेत देई थाए जे गर्भरे थिबा शिशु अनहेल्दी अटे। एमिति क्षेत्र रे देरी न करी सांगे सांगे डाक्टरक सहित परामर्श करिबा जरूरी होइथाय। द्वितीयटी हेला पेटर आकार। जदि आपणक प्रेग्नेंसी को 12 सप्ताह होई सारिछि किंबा प्रेग्नेंसी रा 16 सप्ताह होई सारिछि किंतु ए जाय आपण बेबी बम्प देखि नाहंती, अर्थात आपणक पेटर आकार बाहर को बाहरी नाही, एहा संकेत देई थाए जे गर्भस्थ शिशु सुस्थ नुहे। एमिति क्षेत्र रे मध्य डेरी नकरी डाक्टरक सहित परामर्श करिबा जरूरी होइथाय। तृतीयटी हेला गर्भवती महिलांक ओजन। गर्भ अवस्था रे प्रेग्नेंट महिलांक ओजन अत्यधिक बढ़िबा किंबा कम बढ़िबा एहा गर्भस्थ शिशुर विकास उपरे प्रभाव पकाइथाय। प्रेग्नेंसी समय रे महिलांक ओजन बढ़िबा सामान्य कथा होइथाय। पूरा गर्भ अवस्था रे 10-12 किलोग्राम ओजन बढ़िबाकु सामान्य धरा जाइथाय। जदि ओजन उपयुक्त हिसाब रे बढ़ु नाही तेबे गर्भस्थ शिशुटी अनहेल्दी होई पारे। चतुर्थटी हेला शिशुर हृत स्पंदन। एक सुस्थ भ्रूणर हृत स्पंदन एक मिनिटे पाखापाखि 110-160 थर होइथाय। जदि गर्भस्थ शिशुर हार्ट बीट प्रति मिनिटे 110 कम किंबा 160 अधिक अछि तेबे एहा संकेत देइथाय जे गर्भस्थ शिशुटी हेल्दी नुहे। एहा आपणक शिशु पई समस्या होइपारे, तेणु डाक्टरक सह परामर्श करिबा उचित। पंचमटी हेला शिशुर हार्ट बीट अनुभव न हेबा। प्रेग्नेंसी रा पंचम सप्ताह रु शिशुर हार्ट बीट आरंभ होई जाइथाय किंतु 10 सप्ताह र शेष भागरे डोप्लर टेस्ट करी एहा पता लगा जाई पारिबो। बेडे बेडे एहा जणा पड़ि नथाय जे गर्भरे थिबा शिशुर हृदय स्पंदन हेउची कि नाही। गर्भरे शिशुर पोजिशन किंबा प्लासेंटर स्थान रे परिवर्तन कारणरु एमिति समस्या होइथाय। किंतु जदि आपणक परवर्ती टेस्ट रे मध्य शिशुर हार्ट बीट संबंध रे जणा न पड़े तेबे एहार अर्थ शिशु कौनसी समस्या रे अछि। एमिति अवस्था रे गर्भपातर भय मध्य रहिथाय। षष्ठटी हेला पेटरे अधिक यंत्रणा हेबा। प्रेग्नेंसी समय रे जदि आपणक पेटरे बहुत अधिक यंत्रणा हुए एवं एहा सहित ब्लीडिंग मध्य हुए तेबे आपणक डाक्टरक परामर्श करिबा उचित, कारण प्रेग्नेंसी समय रे पेट यंत्रणा सहित ब्लीडिंग हेबा भ्रूण नष्ट हेबार संकेत देइथाय। सप्तमटी हेला प्रेग्नेंसी रे ज्वर हेबा। प्रेग्नेंसी समय रे ज्वर हेबाकु हालुका न नेबा उचित, कारण प्रेग्नेंसी रे ज्वर हेले गर्भस्थ शिशुर विकास रे बाधा सृष्टि होइथाय। किछि महिलांक क्षेत्र रे ज्वर को गर्भपातर संकेत धरा जाइथाय। प्रेग्नेंसी रे ज्वर हेले डाक्टरक सहित परामर्श करंतु, निज मनरु कौनसी औषध खांतु नाही। डाक्टर माने शिशुर स्वास्थ्य को प्रभावित न करी ज्वर को ठीक करिवार उपाय करिथांती। एहा थिला सातटी संकेत जहाँ सूचाई थाए जे गर्भरे थिबा शिशुटी सुस्थ अछि कि नाही। आशा करे एही भिडियोटी आपणको निश्चय पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले भिडियोटीकु लाइक करिबे, शेयर करिबे एवं एमिति प्रेग्नेंसी एवं हेल्थ केयर संबंधी भिडियो देखिबा पई मो चैनलकु सब्सक्राइब करिबे। धन्यवाद।